आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। ओमकारेश्वर के निकट कावेरी नदी के तट पर स्थित गया शिला नामक स्थान पर पितरों की शांति के निमित्त भक्त जैन तीर्थ के पास गया पहुंच रहे हैं पूजन के लिए। 16 श्राद्ध में श्राद्ध करने का बड़ा महत्व है। श्राद्ध को श्रद्धा के साथ करना चाहिए। ओमकारेश्वर सिद्धवर कूट के निकट कावेरी नदी के पास गया शिला नामक स्थान पर भी गया जी में पितरों के निमित्त किए गए कर्म का फल यहाँ मिलता है। 16 श्राद्ध में यहाँ भक्त देव ऋषि पितृ तर्पण के लिए आते हैं। गया जी इतना ही उसका फल मिलता है। पंडित दुर्गेश पचौरी ने जानकारी देते हुए गया जी व श्रद्धा का महत्व बताते हुए कहा कि हमारे शास्त्रों में बिहार में जो गया जी है इसका विशेष महत्व बताया गया है। एक राक्षस था गया नाम का, उसका विकराल स्वरूप था। उसने भजन इतने किए थे कि भजन करने के प्रताप से उसे जो हवा छूकर गुजरती व किसी को छू लेती वह सीधा स्वर्ग में जाता था। यमलोक में जब कोई जीव आत्मा नहीं आ रही थी तब यमराज ने भगवान के पास जाकर ऐसी प्रार्थना की कि नियम विरुद्ध क्या हो रहा है, जो पापी है वह भी स्वर्ग में जा रहे हैं। फिर ये भगवान से प्रार्थना करने के बाद भगवान गयास्वर नामक राक्षस के पास गए, उनको प्रणाम किया। वहाँ पर ये बताते हैं कि गया जी जो जाते हैं भगवान के चरण हैं, जिसका विशेष पूजन होता है। गया सूर्य के चरण पर स्थापित किया, भगवान स्वयं साक्षात विराजमान चरण कमल है। गयास्वर इतना भजनानंदी था, छूने से देखने से सभी मोक्ष को प्राप्त करते थे, इसलिए विशेष स्थान पितरों के लिए है। ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र जैन तीर्थ के पास गयाशिला नामक स्थान है, जहां पांडवों ने श्राद्ध किया था, उसका भी उतना ही महत्व बताया गया है जितना गयाशील नामक स्थान बिहार का है। पितृपक्ष में ओमकारेश्वर में जो भी मंडलीय है यहां आकर 16 श्राद्ध में पितरों की आत्मा की शांति के लिए 16 दिनों तक नर्मदा के तटों पर तर्पण करते हैं। 16 दिनों में एक दिन कावेरी नदी के निकट गयाशिला नामक स्थान पर यहां आकर कर्म करते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। रविवार को ओमकारेश्वर तीर्थ के पंडित व अन्य मंडली ने गयाशिला पहुंचकर पूजा अर्चना की तथा 56 भोग का प्रसाद लगाया। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। हमारे शास्त्रों में जो बिहार में गया जी हैं उसका विशेष महत्व बताया गया है। एक राक्षस था गयासुर नाम का, वो उसका इतना विकराल स्वरूप था, भगवान का उसने इतना भजन किया था कि भजन करने के प्रताप से उससे जो हवा छूकर गुजरती थी और वो किसी को छू लेती थी तो वो सीधा स्वर्ग में जाता था। तो यमलोक में जब कोई जीवात्मा नहीं आ रही थी तब यमराज ने भगवान के पास जाकर ऐसी प्रार्थना करी कि ये क्या हो रहा है, नियम विरुद्ध पूरा हो रहा है, सब जो भी पापी है सब स्वर्ग में जा रहे हैं। वहां पर फिर ये भगवान से प्रार्थना करने के बाद भगवान गए उनके पास, गयासुर के पास, उनको प्रणाम करा। तो वहां पर ये बताते हैं कि जो गया जी जाते हैं तो वहां पर भगवान के चरण हैं जिनका विशेष पूजन होता है। तो वो गयासुर के ऊपर भगवान ने अपने चरण स्थापित करे। वो स्थान का महत्व ये है कि वहां पर भगवान स्वयं साक्षात विराजमान है, उनके चरण कमल है वहां पर। और वो गयास्वर इतना भजनानंदी था कि उसके छूने से उसको देखने से सभी मोक्ष को प्राप्त करते थे, इसलिए वो विशेष स्थान पितरों के कार्य के लिए है। और उसी के एक उसमें आता है हमारे उसमें कि ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में भी सिद्धवर कूट के पास में एक गयाशिला है जहां पर पांडवों ने भी श्राद्ध किया था, उसका भी महत्व उसी के सम बताया गया है। तो पितृपक्ष में ओमकारेश्वर में जो मंडलियां हैं, ओमकारेश्वर उत्तर तट पे और दक्षिण तट पे जो भी यहाँ पर तर्पण करते हैं, अन्यत्र बाहर से भी ब्राह्मण जो नित्य प्रतिवर्ष वर्ष आते हैं यहाँ महालय करते हैं और यहाँ आकर के हम सभी लोग यहाँ आकर विशेष रूप से तर्पण करते हैं, गयाशिला भगवान नारायण का स्वरूप मानकर वहाँ पूजन करते हैं, 56 भोग इत्यादि।